उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के प्राथमिक विद्यालय फूलपुर में टीचरों के द्वारा जबरदस्त तरीके से मनमानी हो रही है। जी आपको बता दें कि मधुबन तहसील के स्थानीय कस्बा फूलपुर गांव में प्राथमिक विद्यालय की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। समय से ना ही स्कूल खुलता है और ना ही समय से आते हैं अध्यापक। ताजा मामला आज सुबह 8:10 का है, जब सीआईबी इंडिया न्यूज के पत्रकार अजय गुप्ता को सूचना मिली कि प्राथमिक विद्यालय अव्यवस्था का शिकार है। सूचना पाकर जब अजय गुप्ता वहां पहुंचे तो किसी भी टीचर को ना पाकर हैरान रह गए। टीचर का पता नहीं था, सिर्फ दो रसोईया ही नजर आ रही थी। इतना ही नहीं, 8:15 पर प्रार्थना भी खत्म हो गई और वो भी बिना अध्यापकों के। बच्चों से जानकारी ये भी मिली कि रोज की भांति आज भी हम बिना टीचर के ही प्रार्थना पूरी किए हैं। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि जब गांव के प्रधान पति अविनाश यादव से पूछा गया तो उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि एसडीएम और उनके कार्यालय में बार बार सूचना दी गई पर कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं होती और इस विद्यालय की कभी जांच भी नहीं होती। इस वीडियो में आप सब कुछ देख सकते हैं। तो कोई टीचर आया है अभी? प्रेयर कर किए हो ना तुम लोग? कोई टीचर आया है यहाँ पे? ये कौन सा विद्यालय है? बोलो बोलो। प्राथमिक विद्यालय। यहाँ पे कोई टीचर का पता है? अभी कितना बज गया है? 8:10 हो रहा है। बच्चे टीचर नहीं आते उसके पहले प्रेयर करा देते हो आप लोग? कहते हैं क्या टीचर? मैडम जी आप तो 8:15 विद्यालय में आ रही हैं? 8:15 जी। कुछ बच्चों का रिपोर्ट ये है कि मैडम जी लोग नहीं आते हैं प्रेयर हो जाता है। मैडम जी लोग नहीं आते हैं प्रेयर हो जाता है। क्या बच्चे बयान गलत दे रहे हैं? बच्चे बयान गलत दे रहे हैं? बच्चे जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? नहीं, बच्चे हैं, बच्चे भी सही बोलते हैं जी। हमारे जाए।